आज की वीडियो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। इतनी बार इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट हुई है कि मुझे ये वीडियो बिलाकर बनानी पड़ गई है। रिक्वेस्ट ये है कि 2-2.5 साल के बच्चे की कमीज़ की कटिंग के लिए फरमाइश हुई थी, तो मैं आपको पहले साइज़ बता देता हूँ। ये एक फ़र्ज़ी साइज़ है, आपका जो भी आप कस्टमर होगा, जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, उसका साइज़ इससे मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे पास जो साइज़ है इसके मुताबिक ये तकरीबन 2.5 साल के बच्चे की कमीज़ की कटिंग है, तो इसके मुताबिक कमीज़ की लंबाई है 22 इंच, तीरा 10 इंच, बाजू है इस पर 12 इंच का, और जो कमीज़ की चौड़ाई है वो 13 इंच है, और इस पर जो हाफ पैन है वो 11 इंच है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइज़ जो है आपके पास जो आएगा वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन तकरीबन इस पर कटिंग जो है वो सेम ही होगी। तो इसके लिए जो है मैंने तीरा, बाजू और कमीज़ का फ्रंट और बैक पैनल, इनको मैंने प्रेस लगाकर पहले ही अलग से रख लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी शोर होता है, तो बेहतर है कि आप हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिएगा या इसे बिल्कुल गौर से सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम जो है वो तीरे की कटिंग करेंगे। तो ये तीरे के दोनों पीसीस पर मैंने प्रेस लगा दिया। आपको पता है कि तीरे के दो पीस होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये तीरे के दो पीस होते हैं। इन पर मैंने अच्छी तरह प्रेस लगाकर इन्हें यहाँ पे रख लिया है, और अब देखिए कि जो कपड़े की बंद साइड है ये मेरे सीधे हाथ पे है, और कपड़े की जो खुली साइड है वो मेरे उल्टे हाथ पे है। तो सबसे पहले हम तीरे पर मार्किंग करेंगे। तो तीरे की लंबाई है 10 इंच, तो अप साइड से हमने चौड़ाई कितनी रखनी है, अप साइड कहते हैं जहाँ पे हमारा हाला तैयार होता है। तो 10 इंच हमारे तीरे की लंबाई है, तो 10 इंच का चौथा हिस्सा बनेगा 2.5 इंच, प्लस हम आधी इंच लेंगे तो हो जाएगा टोटल 3 इंच। तो ये 10 इंच तीरे के लिए 3 इंच हमने तीरे की जो है अप साइड से चौड़ाई रखी है। अब हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है, तो तीरा हमारा है 10 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 11 इंच हो जाएगा, और 11 इंच का आधा बनेगा 5.5 इंच। तो ये 5.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे डाउन साइड की जो चौड़ाई होती है उसका फार्मूला ये है कि तीरे की कुल लंबाई है 10 इंच, तो 10 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, और 2.5 में से अगर हम 0.25 इंच माइनस करते हैं या 0.5 इंच माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है, 2.5 इंच में से जब हम 0.5 इंच माइनस करते हैं तो हमारा जवाब आता है 2 इंच। तो 2 इंच या 2.25 इंच आप डाउन साइड से चौड़ाई रख सकते हैं। अब नीचे से हमने जो इसकी लंबाई का निशान लगाया था 5.5 पे, इस जगह से हमारी लंबाई का निशान आएगा 6 इंच। यहाँ पे हम 0.5 इंच बढ़ा रहे हैं, ये एक फर्जी फिलवक्त निशान है, हो सकता है इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़े। बहरहाल ये जो हमने मार्क लगाए हैं ना, इसको इन सब मार्क्स को हम आपस में मिला देते हैं, ये चेक कीजिए। अब यहाँ पे हमने जो है अपने हाले की गहराई और लंबाई का निशान लगाना है। तो गहराई, जब भी आप तीरे पर हाले के लिए गहराई रखते हैं तो उसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, तीरे का चौथा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, यानी 10 इंच तीरा है तो 10 इंच तीरे का हाफ, 10 इंच तीरे का चौथा हिस्सा बनेगा 2.5 इंच, और 2.5 इंच का फिर तीसरा हिस्सा आप इसका तीसरा हिस्सा लेंगे 2.5 इंच का, जो कि तकरीबन आपका बनेगा तकरीबन 0.25 इंच, 1 इंच, 1 इंच के करीब आप इसकी जो है वो गहराई रख सकते हैं। तकरीबन 1 इंच से एक सूत्र कम आएगा, मैं यहाँ पे 1 इंच पे ही इसकी गहराई रख रहा हूँ। और इसके बाद जो तीरे पर हाले की चौड़ाई मैं रखूँगा, ये 11 इंच पैन है, तो कमीज पर हमारे हाले की चौड़ाई आएगी 0.25 इंच, जबकि तीरे पर हाले की चौड़ाई आएगी 2.25 इंच। तो ये 2.25 पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने इसकी शेप बनानी है, ये आप चेक कर सकते हैं, और अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। ये आप चेक कर लीजिए, ऐसे अमूमन जो है वह 2-2.5 साल के बच्चे की जो कमीज़ें होती हैं वो बगैर तीरे के बनती हैं, यानी तीरा इसमें अलग से नहीं लगाया जाता, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट थी तो इस वजह से मैं ये कटिंग जो है वो तीरे के साथ कर रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये 10 इंच तीरे के लिए हमने इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, अगर ना समझ आए तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा।
अब इसके बाद हमने अपने आस्तीन की कटिंग करनी है, यानी बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लाइन लगा देनी है, ये हमारी एक लाइन हो गया। इससे आगे हमारी कटिंग जाएगी तो तीरा हमारा है 10 इंच। मैं क्योंकि अक्सर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं जो बाजू के कंधे की चौड़ाई रखता हूँ वो मैं तीरे के मुताबिक रखता हूँ, तो तीरा यहाँ पे है 10 इंच, तो 10 इंच का आधा बनता है 5 इंच। 5 इंच इसका आधा बन गया है, 1 इंच हम मजीद इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंच। ये एक नॉर्मल बाजू के लिए मैं बना रहा हूँ, अगर बाजू आपने खुले बनाने हैं तो 6 को आप 6.5 भी कर सकते हैं। तो तीरा था मेरा यहाँ पे साइज के मुताबिक 10 इंच, तो 10 इंच का आधा बनता है 5 इंच और 1 इंच फालतू मैंने यहाँ पे लिया यूजिंग के लिए, ये बनाया टोटल 6 इंच। तो 6 इंच मैंने बाजू के कंधे की चौड़ाई रखी है। अब यहाँ से बाजू के कंधे का डाउन कितना रखना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जितना भी आपके बाजू के कंधे की चौड़ाई होगी उसका तीसरा हिस्सा आपने लेना है, तो 6 इंच का तीसरा हिस्सा आएगा 2 इंच। तो ये बाजू के कंधे का जो है डाउन हो गया है 2 इंच तक। यहाँ पे मैं थोड़ी लाइन लगा कर इसे सीधा कर देता हूँ। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसकी शेप, यहाँ पे दो तरह की आप बाजू कटिंग कर सकते हैं, या तो आप इस यहाँ से ये देखिए ये टोटल बाजू है 6 इंच, तो 6 इंच का आधा बनता है 3 इंच, मजीद 1.5 इंच प्लस करें तो 4.5, तो 4.5 से आप इसकी जो है वो गुलाई देना स्टार्ट करेंगे। ये आप चेक करें, एक तरीका ये है इस पर, और दूसरा जो है आप यहाँ से ये जो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे निशान लिया है यानी ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच है, तो यहाँ से आप इसकी गुलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अंदर लेकर जाएंगे इसे, और यहाँ से फिर आप इसे बाहर निकाल देंगे। ये आप चेक कर लीजिए, ये दोनों तरीकों से आप ये बाजू कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बाजू के चारों पीसीस को एक ही शेप पे कटिंग करेंगे, जिस तरह बड़े बाजू कटिंग होते हैं उस तरह इसे कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है, तो बाजू हैं हमारे 12 इंच, तो हमने यहाँ पे बाजू ओपन बनाने हैं, तो 1 इंच हमने आगे से फोल्ड करना है और 1/2 इंच हमारा दबाव के लिए जाएगा, तो 12 में हम 1.5 इंच प्लस करें यानी 1/2 इंच यहाँ पे हमारी सिलाई में जाएगा और 1 इंच आगे से फोल्ड होगा, टोटल 1.5 इंच फालतू रखना है, तो 12 और 1/2 ये हो गया हमारा 13.5 इंच। तो ये 13.5 पे हमारा निशान आ गया है। अब इसके बाद हमने बाजू का ओपन कितना रखना है, तो कुल लंबाई हमारी है 12 इंच, तो 12 इंच का हमने लेना है यहाँ पे चौथा हिस्सा हमने लेना है, तो 12 इंच का चौथा हिस्सा आएगा हमारे पास 3 इंच, और 3 इंच और प्लस 1/2 इंच हम सिलाई ले लेंगे, ये टोटल हो जाएगा 3.5 इंच। आप 3.5 नॉर्मल बाजू के लिए रख सकते हैं, अगर बाजू खुले बनाने हैं तो इसे आप 4 इंच कर लीजिए। तो ये 4 इंच पे मैंने बाजू के ओपन के लिए निशान लगा दिया है, और यहाँ पे मैं इसे इस तरह सीधा कर देता हूँ, और इस निशान को यहाँ पे कंधे वाले निशान के साथ इस तरह मिला दिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो दूसरी शेप मैंने तैयार की थी इसी पर मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये शेप मुझे ज़्यादा पसंद है, और इससे यह है कि कपड़ा जो है वो आगे की तरफ इकट्ठा नहीं होता, और आप चाहे तो जिस तरह मैंने पहली जो शेप तैयार की थी गुलाई में उस पर भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे काफ़ी शोर है, तो लिहाजा आप हेडफोन वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाजू की जो है कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमने 1 इंच इसे फोल्ड करना है, तो यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसे कट लगा देते हैं ताकि हम जब इसे सिलाई करें तो हमें आसानी से पता चल जाए कि हमने कितना इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है सेंटर का कट आ गया है, आप चेक कर सकते हैं, ये बाजू की जो कटिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है, आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये दो चीज़ें हो गई हैं, अब हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है, तो इसके लिए दोनों पैनल्स को मैंने प्रेस लगाकर ऊपर नीचे जो है वो अच्छी तरह बिठा दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, कमीज़ की चौड़ाई मैंने आपको बताया था साइज़ के मुताबिक 13 इंच है, तो यहाँ पे मैंने इसे 7 इंच पे लिया यानी 14 इंच, 1 इंच फालतू मैंने इसे रखा है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर से दोनों पैनल्स को मैंने यहाँ पर बराबर कर लेना है, और इसके बाद ये आप चेक कर लीजिए कि हमेशा की तरह मैं जब मैं कमीज़ की कटिंग करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पैनल्स यहाँ पे मैंने सेट किए हैं तो बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे मैंने जब हाले की मार्किंग करनी है तो 11 इंच बैन है तो उसके लिए हाले की चौड़ाई होगी 1.25 इंच और इसकी लंबाई होगी 2 इंच। हाले की चौड़ाई 1.25 और लंबाई इसकी मैंने रखी है 2 इंच। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक बॉक्स बना देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे एक बॉक्स तैयार हो गया है। इसके बाद ये जो कॉर्नर है, ये जो कोना बनेगा, यहाँ से इसे हमने रखना है 1/2 इंच। ठीक है, ये 1/2 इंच का निशान लगाकर आप एक यहाँ पे हल्की से एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमारी लाइन आ गई है। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी हाले की शेप तैयार करनी है। आपको पता होगा कि जब हम बैन का हाला तैयार करते हैं तो वो ज़्यादा गुलाई में तैयार होता है, यानी उसकी कटिंग जो है वो गहरी होती है। तो ये हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हमारा है 10 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। 11 और 11 का आधा बनता है 5.5। तो ये 5.5 पे हमने तीरे की लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ से हमने शोल्डर डाउन रखना है 1.5 इंच। ये हमारा 1.5 इंच का शोल्डर डाउन आ गया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसे मिला देना है। शोल्डर डाउन 1.5 इंच मैंने रखा है। वैसे ये होता है तीरे का 8वां हिस्सा। ठीक है, वो तकरीबन राउंड अबाउट इतना ही बनता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये जो यहाँ पे मैंने निशान लगाया था तीरे का 5.5 इंच, तो यहाँ से भी लगेगा 5.5 या 1/2 इंच आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 5.5 के बजाय 6 कर रहा हूँ। ये 6 इंच का मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन बड़ी कर देता हूँ। ये आप चेक कर लीजिए। अब ये जो शोल्डर डाउन है, इस जगह से लेकर यहाँ चेस्ट तक, ये हमने यहाँ पे आर्म होल तैयार करना है, जो कि हमारा आएगा, बाजू का कंधा हमने लिया है 6 इंच, तो आर्म होल हमारा आएगा कम अज कम 5.5 और ज़्यादा ज़्यादा कम अज कम 5 और ज़्यादा ज़्यादा 5.5। 1/2 इंच भी आप कम रख सकते हैं और 1 इंच भी आप कम रख सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे 1/2 इंच ही कम रखें। तो यहाँ पे मैं आर्म होल जो है वो 5.5 इंच तैयार करूँगा। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। लोग बहुत ज़्यादा मार्किंग करते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने सिंपल इस पे यहाँ पे छोटे छोटे नुक्ते डाल लेने हैं। ये एक फर्जी हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने ये जो गुलाई तैयार की है, नुक्ते डाले हैं, इनको हम पैमाइश कर लेते हैं। ये टोटल चेक करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.25 इंच, जबकि हम यहाँ पे चेस्ट का पहले निशान लगाएंगे। कमीज की चौड़ाई है टोटल 13 इंच, तो चेस्ट तकरीबन तैयार होगी ऊपर से 12.5 और 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 13.5। 13.5 का आधा बनेगा 1.75 इंच। तो ये 1.75 पे हमारी चेस्ट का निशान आ गया है। अब ये जो हमने नुक्ते डाले थे, इनको दोबारा एक मरतबा फिर पेमाइश कर लेते हैं, जो कि हमारे ये गुलाई हमारी 5.5 इंच होनी चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग्जैक्ट 5.5 पे आया है। हालांकि मैंने ये बिल्कुल फर्जी नुक्ते डाले थे। अब हम इन नुक्तों को क्लियर कर देते हैं। ये आप चेक कर लीजिए। अब इस पे हम जो है वो कटिंग कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये साइज पता है। बिल्कुल आप अगर इसी साइज पे कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कटिंग बहुत अच्छी होगी और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। और इसके बाद अब हमने यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब जैसा कि हमने बाजू को जो है वो चारों पीसीस इकट्ठे कटिंग किए थे, हमने यहाँ पे इसकी ऊपर से 2 पीसीस उठा के अलग से कटिंग नहीं की, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आप बैक को भी बिल्कुल बराबर कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप बैक को तकरीबन 2-2.5 ऊपर आप फालतू रख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, या आप बिल्कुल बराबर जितना आपने ऊपर वाला आर्म होल कटिंग किया है उसी के साथ आप यानी चारों पीसीज इकट्ठे कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप नीचे वाला जो आर्म होल है वो तकरीबन 2-2.5 सूत्र आप फालतू कटिंग कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर बच्चा जो है वो उसका जिस्म भारी है तो आप बेहतर है कि 2-2.5 सूत्र नीचे वाला फालतू रख दें, या अगर बच्चा नॉर्मल सा है, कमज़ोर सा है, तो उसके लिए आप जो है वो इन चारों पीसीस को इकट्ठा कटिंग कर सकते हैं। तो मैं नीचे वाला आर्म होल जो है वो तकरीबन 1.5-2 सूत्र तकरीबन मैं इसे फालतू रख रहा हूँ।
ये आप चेक कर लीजिए। इसके बाद अब हमने बैक की कटिंग करनी है, तो यहाँ से टोटल हमने शोल्डर डाउन लिया था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का आधा बनता है 0.25 इंच, तो ये 0.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। 0.25 इंच कहते हैं 6 सूत्र को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 सूत्र के लिए निशान लगा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये चेक कर लीजिए, बिल्कुल इसे सेंटर हमने कर लिया है, 1.5 इंच का सेंटर हमने किया है, तो 0.25इंच आया है। अब ये जो आर्म होल वाली साइड है इससे तकरीबन 1 सूत्र आप नीचे इसको जो है हल्की सी तिरछी कटिंग कर सकते हैं, 1.5 सूत्र की, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये आप क्या कर लें, ये बैक को मैंने कटिंग कर लिया है, बिल्कुल आपने भी सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम जो है अपने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाएंगे, तो उसका तरीका ये होता है कमीज़ की कुल लंबाई तकसीमे 4 जमा 2 इंच, तो कुल लंबाई है इसकी 22 इंच, 22 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 5.5 इंच, और 5.5 में 2 इंच जमा करें तो 7.5, तो ये 7.5 इंच हमारी फ्रंट पट्टी के लिए कट लगेगा। आप 5.5 को जो सॉरी 7.5 को आप 7 भी कर सकते हैं, यानी अगर आप पट्टी कम पसंद करते हैं तो 1/2 इंच कम कर लें। तो यहाँ पे 22 का चौथा हिस्सा मैंने लिया है 5.5 और 2 इंच मजीद जमा करके ये 7.5 पे मैंने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाया है। अब ये जो यहाँ ये चेस्ट का जो निशान है यहाँ से नीचे तक मैं इसकी जो है साइड से कटिंग कर देता हूँ। यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमने साइड पॉकेट अगर आपने लगानी है इस छोटी सी कमीज़ के लिए, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है, सिर्फ फ्रंट पॉकेट लगा लें, लेकिन अगर आप साइड पॉकेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऊपर से इसे रखें 2 इंच, और यहाँ से आप लें से तकरीबन 4.5 या 5.5, और जो 4 के लिए निशान आपका आएगा वो भी तकरीबन 2 इंच का आएगा। ये जो निशान है ये आपके 2 सूत्र ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। पॉकेट के लिए मैंने आपके सामने ये जो मार्जिन रखा है ये 4.5 रखा है, आप इसे 5 भी कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक 5.25 भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको बेहतर लगे आप उसके मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे साइज़ के लिए कोई कन्फर्म चीज़ नहीं होती, आप 2 सूत्र जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारी कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब लंबाई हम इसकी देख लेते हैं, कमीज़ की लंबाई है 22 इंच, तो 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, 22.5, 1 इंच तकरीबन फोल्डिंग होगी, 23.5 टोटल, ये 23.5 पे हमारा निशान लगेगा लंबाई के लिए, तो ये 23.5 पे मैं जो है ये इसकी मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको चेक करानी थी वो है इसका तीरा। यहाँ पे अगर आपकी कमीज़ का तीरा, मैं बड़ी कमीज़ों में बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपका तीरा यहाँ पे बैठ गया तो समझ ले आपकी कटिंग परफेक्ट हुई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी तकरीबन 2.5 सूत्र की या 1/2 इंच के करीब यहाँ पे हमारी सिलाई जाएगी, ये वाली यहाँ पे हमारा तीरा अटैच होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब हम इसे तीरा पलट के यहाँ पर लाएँगे तो ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा तीरा जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे बैठेगा, ये आप चेक कीजिए। तो यहाँ से साबित ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और जब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपने इस कटिंग को पसंद किया होगा, किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप जो है वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा।